मूवी की शुरुआत में एक जंगली सुअर जान हाथ में लिए भाग रहा होता है और वनवासी उसे चेस कर रहे होते हैं। कुछ दूर पर सुअर ट्रैप में फंस जाता है। अब कहानी का हीरो जैगुआर सुअर को मारकर उसके हिस्से समय बांट रहा होता है। एक आदमी को हर्ट तो दूसरे को लिवर देता है। फिर उस सुअर का कोई और पार्ट निकाल कर उनके ग्रुप के कॉमेडियन ब्लंटेड को देकर कहता है, इसको खाओगे तो ताकतवर बन जाओगे। वो कहता है, यार पिछली बार भी तुमने न जाने मुझे क्या पकड़ा दिया था, मुझे और कोई हिस्सा दो। जैगुआर कहता है, इसको खाओगे तो जल्दी बाप बन जाओगे। अब मेरे पास फ्लिंट कोई देख लो, उनके 10 बच्चे हैं 10। वो अपना शिकार सब में बांट कर आखिरी में यही पार्ट खाते हैं। फ्लिंट भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है, उन पर विश्वास करके ब्लंटेड खाने लगता है। अब बाकी के लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं। वो बेचारा उसको खाकर उल्टा कर रहा होता है। इतने में दोनों में प्यार भरी लड़ाई होने लगती है। फ्लिंट इस जनजाति का सरदार है। वो ब्लंटेड को अलग ले जाकर पूछता है कि तुम्हारे अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए। फिर वो उसे पास वाले जंगल की स्वानजो लीफ नाम की पत्तियां देकर कहता है कि इसको खाओ, जल्दी तुम बाप बन जाओगे। वो थैंक यू कहकर तुरंत खाने को जाता है, पर फ्लिंट रोक कर कहता है कि इसे अपने ऊपर रगड़कर फिर खाना, तभी दवा असर करेगी। वो खुशी के आंसू बहाने लगता है। इसी बीच वहाँ कोई बाहर का आदमी आता है। वे उसे बुलाते हैं तो पता चलता है कि दूसरे गांव के लोग अपना गांव खाली करके इनकी ओर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि हम लोग परेशान नहीं करेंगे, हमारा गांव मिट चुका है, इसीलिए हम आपके गांव से होकर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर वो उन्हें जाने देते हैं। जाते जाते वे उन्हें मछलियाँ देते हैं और ये लोग उन्हें सुअर का मांस देते हैं। ये लोग पूछते हैं कि आपके गांव को क्या हुआ। वे कहते हैं कि एक खतरनाक ग्रुप ने हम पर हमला किया और पूरा गांव तहस नहस हो गया, उनसे बचने के लिए हमने गांव को छोड़ दिया है। ये सुनकर जैगुआर अपने परिवार को बचाने भागता है, पर फ्लिंट उसे रोकता है और वे अपना शिकार समेटकर गांव की ओर जा रहे होते हैं। फ्लिंट अपने आदमियों से कहता है कि यहां तुमने जो भी सुना उसके बारे में किसी को मत बताना, अगर वे डर गए तो हम दुश्मन से लड़ नहीं पाएंगे। डर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, अगर एक डर गया तो वो सब में डर फैला देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिलेरी के साथ दुश्मन का सामना करेंगे। यहां ब्लंटेड के घर में बच्चा न होने की वजह से उसकी सास उस पर ताने मारती रहती है। इस पर गांव वाले फिर हंसने लगते हैं। सास उसे खींचकर घर के अंदर लेके जाती है। अब बेटी और दामाद को घर के अंदर छोड़कर सिक्योरिटी की तरह बाहर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम कुछ भी करो पर 10 महीने में मुझे बच्चा चाहिए। अब जैगुआर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसके बेटे का नाम टर्टल है और उसकी पत्नी का नाम सेवन है। उसका 10वां महीना चल रहा होता है और किसी भी वक्त उसका बच्चा हो सकता है। यहाँ ब्लंटेड खुजलाता हुआ बाहर आता है और पानी की टंकी के अंदर बैठ जाता है। लगता है फ्लिंट ने उसे यूं ही मजाक में वो खुजली वाली पत्तियां दे दी थी। बेचारा बहुत परेशान होता है, पर सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। अगले दिन होने वाली घातक घटना से बेखबर सब आराम से सो रहे होते हैं। सुबह होती है और जैगुआर को कोई अजीब सा सपना आता है और वो चौंक कर आंखें खोलता है। तभी हमें वनवासियों का एक ग्रुप दिखाते हैं जो हाथ में रस्सी का फंदा लिए लोगों को उसमें फांस रहे होते हैं। इतने में एक आदमी को मशाल के साथ आते देखकर जैगुआर सेवन और टर्टल को लेकर वहाँ से भागता है। उस ग्रुप के लोग वहाँ के झोपड़पट्टियों में आग लगा देते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। जो लोग उनसे लड़ते हैं उन्हें भी मार डालते हैं, पर दूसरों को वो जिंदा ले लेते हैं। दूसरी ओर जैगुआर एक रस्सी की मदद से सेवन और टर्टल को एक कुएं के अंदर उतारने लगता है। कुआं लगभग 100 फीट गहरा तो जरूर होगा। वो धीरे धीरे उन्हें नीचे उतारता है। इतने में उस ग्रुप का एक आदमी जैगुआर की ओर आता है। अब जैगुआर घबराकर उन्हें तेजी से उतारने लगता है। उस आदमी के पास आते ही वो तेजी से दोनों को उतारता है। वो आदमी उसे अटैक करने आता है और जैगुआर रस्सी छोड़ देता है। सेवन और टर्टल 5 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, पर पीठ के बल गिरने के कारण दोनों बच जाते हैं। ऊपर वो आदमी जैगुआर को अटैक करता है और जैगुआर भी उसे खूब मारता है। लड़ाई के बीच जैगुआर भी कुएं में गिरने वाला होता है, पर वो आदमी का हथियार छीनकर उससे मार डालता है। अब सेवन चिल्लाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी नीचे आ जाओ। वो कहता है, मैं गांव के लोगों को बचाने में पिताजी की मदद करने जा रहा हूँ। जाते वक्त उसने रस्सी को एक पेड़ से बांध दिया होता है ताकि सेवन और टर्टल कभी भी ऊपर आ सके। यहाँ ब्लंटेड और फ्लिंट दुश्मन से खूब लड़ रहे होते हैं, पर वे दुश्मनों के फंदे में फंस जाते हैं। तब एक आदमी फ्लिंट को मार डालने होता है कि ऐन वक्त पर जैगुआर आकर उस आदमी को उठाकर पटकता है। फिर उसका चाकू उसी पर चलाने वाला होता है कि पीछे से एक आदमी उसे फंदे में फंसाकर खींच ले आता है, पर वो आदमी गुस्से में बिल्कुल साइको की तरह चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मानोगे, और ये कहकर वो जैगुआर पर हमला करता है। तब उस ग्रुप का सरदार जिसका नाम जीरो है वो कहता है, मुझे वो जिंदा चाहिए, उसे छोड़ दो। साइको चिढ़ जाता है, पर जैगुआर अपने पिता को देखकर उसे पुकारता है। अब साइको कहता है, अच्छा ये तुम्हारा बाप है, हमें बूढ़े की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और ये कहकर वो जैगुआर के सामने फ्लिंट की गर्दन उड़ा देते हैं। अब वनवासियों को बांस की लकड़ी के साथ बांध रहे होते हैं। तब ब्लंटेड की पत्नी को साइको और दूसरा आदमी उठाकर ले जाते हैं। अब बच्चों को छोड़कर वे बाकी सभी को लकड़ी के साथ बांध रहे होते हैं। जैगुआर मायूस होकर उस कुएं की तरफ देख रहा होता है। एक आदमी ये देखकर वहां जा
आता है तो उन्हीं का एक आदमी मरा पड़ा होता है। वो कुएं के अंदर झांकता है पर सेवन और टर्टल एक जगह छुप जाते हैं। वो आदमी जाने वाला होता है कि उसकी नजर उस रस्सी पर पड़ती है जो पेड़ से बंधी होती है। अब उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो एक बड़ा पत्थर कुएं में फेंकता है। पत्थर यहाँ वहाँ तैरकर अंदर पहुँचता है तो टर्टल डर के मारे जरा चिल्लाता है। अब वो आदमी जान लेता है कि अंदर कोई न कोई तो जरूर है। वो रस्सी काट देता है और सोचता है कि उतनी गहराई से वे बाहर नहीं आ पाएंगे और अंदर ही मर जाएंगे। अब वे सभी को बांध कर ले जा रहे होते हैं और तभी जैगवार उस रस्सी को कुएं में गिरते हुए देखता है। जीरो के बेटे को चोट सी आई होती है। जीरो उस घाव को काट कर खून बाहर निकालता है। वे बहुत दूर पैदल चलते हैं। उनके बच्चे रोते हुए उनके पीछे से पुकार रहे होते हैं। अब रास्ते में एक बहुत ही बड़ी नदी होती है जिससे वे बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हैं। तेजी से बहती नदी में बच्चे नहीं जा सकते, इसीलिए वे किनारे पर ही रह जाते हैं। वे सब 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। एक लड़की थोड़ी बड़ी होती है और वो कहती है, तुम लोग घबराना मत, मैं माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगी। और ये बहुत ही टचिंग सीन होता है। यहाँ कुएं के अंदर टर्टल के पैर पर चोट आई होती है। अब उस जमाने के लोगों की समझदारी यहाँ देखने को मिलती है। उस घाव को सीनने के लिए सेवन चींटियों को पकड़कर उस घाव पर छोड़ती है। जैसे ही वे डंक मारते हैं वो चींटी का सर वहीं छोड़कर शरीर का हिस्सा तोड़ देती है। अब डंक अंदर ही लगा रहता है और बिल्कुल सिलाई की तरह उस घाव को सील कर देता है। अब ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट और नेचुरल सर्जिकल स्टिच। वहाँ वनवासियों को जीरो एक पहाड़ी के रास्ते पर ले जा रहा होता है। तभी कुछ वनवासी फिसल कर गिरने वाले होते हैं। सबसे आगे ब्लंटेड चल रहा होता है। वो बहुत ही ताकतवर होता है और एक पेड़ की जड़ में अपना पैर फंसाकर उन्हें गिरने से बचाता है। अब ये देखकर साइको कहता है कि उन्हें कोई नहीं बचाएगा। देखते हैं कि वे किस तरह ऊपर आते हैं। फिर सब मिलकर उन लोगों को ऊपर उठा लेते हैं। उनमें से एक के पेट में चोट लगी होती है। उसे बोझ समझकर साइको उसी रस्सी को खोल देता है और वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तब जीरो वहाँ आकर उस आदमी के बारे में पूछता है तो वे कहते हैं कि साइको ने उसे नीचे ढकेल दिया। अब जीरो और साइको के बीच में इस बात पर बहस हो जाती है और वो कहता है कि सरदार मैं हूँ, मैं जो कहता हूँ सिर्फ वही करो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर तुम सरदारी दिखाना चाहते हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। अब साइको चुप हो जाता है। सरदार कहता है बिल्कुल इसी तरह अपनी लिमिट में रहो और यहाँ एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए। रात हो जाती है और वे रात भर भी चलते रहते हैं। सुबह हो जाती है और वे अब भी चल रहे होते हैं। इस तरह दिन रात चलते चलते एक जगह पर बहुत बड़ा पेड़ गिरता है और इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर एक औरत की लाश को दिखाते हैं जिस पर चिकन पॉक्स के निशान होते हैं। अब लाश के पास बैठी लड़की को भी चिकन पॉक्स होता है। जीरो के आदमी उस बेचारी को छड़ी से दूर हटाते हैं और कहते हैं तुम्हें छूत की बीमारी है, दूर हट जाओ। वो लड़की इन अजीब नजरों से देखकर इनकी पूरी भविष्यवाणी साफ साफ बता देती है और कहती है तुम सबको खत्म करने के लिए इंसान अपने काले चीते पर सवार होकर जमीन को फाड़ कर बाहर आएगा। जब दिन में रात का अंधेरा छाने लगेगा तब तुम समझ लेना कि वो आ गया है। और ये सुनकर वे चले जाते हैं। आखिर में वे एक जगह पहुँचते हैं। अब तक आप वनवासियों का रहन सहन देख रहे थे पर जीरो जहाँ इन्हें ले आया था वहाँ के लोग पत्थरों से घर बना रहे होते हैं। ये लोग सभ्यता में शायद जरा आगे निकल चुके होते हैं क्योंकि ये जंगल के बाहर पत्थर से घर बनाना सीख चुके थे। सोच समझ में भी ये लोग काफी आगे निकल चुके होते हैं। वहाँ मांस मछली का अलग ही मार्केट होता है। घर बनाने के लिए चूना अलग बनाया जाता है और घर को रंगने के साधन भी वहाँ पर होते हैं। इतना ही नहीं कपड़ों के लिए रंगीन डाई भी वहाँ पर तैयार कर रहे होते हैं। वनवासियों को चौंका देने वाली बात यह होती है कि वहाँ की औरतों ने कपड़ों से अपने शरीर को ढका होता है। मतलब ये कि कपड़े पहनने का कल्चर उन लोगों में शुरू हो चुका था। वे कपड़ों को ही नहीं शरीर को भी रंगते हैं और शायद फैशन के मामले में भी वे काफी आगे थे। और इस तरह सभ्यता समझदारी विज्ञान फैशन इत्यादि में विकास की ओर जा रहे ये लोग पिछली भी जनजाति को पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाकर लाए होते हैं। और इस तरह लाए गए लोगों को वे वहाँ नीलाम कर रहे होते हैं। औरतों को भी कई लोग खरीदते हैं, बुजुर्ग औरतों को कोई नहीं खरीदता। और इस तरह न बिकने वाली बुजुर्गों को वो शायद छोड़ देते हैं। उस हिसाब से ब्लंटेड की सास का कोई खरीदार नहीं होता, इसीलिए वे उसे खोलकर वहाँ से भगा देते हैं। इस सीन में उन दोनों की बातचीत नहीं होती पर उनकी आंखें हजार बातें कर लेती है। अब वनवासी आदमियों पर नीला रंग लगाकर एक बड़े मंदिर जैसी जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ 107 सीढ़ियां होती है और ऊपर वहाँ का राजा रानी पुजारी और कई लोग बैठे होते हैं। इन लोगों को उनके सामने खड़ा किया जाता है। ये सोचकर तो हमारा हार्ट बीट और भी तेज हो जाता है। न जाने ये सभ्य लोग हमारे वनवासियों के साथ क्या करने वाले हैं। तभी वे फैसला करते हैं कि इस धरती को प्यास लगी है और हमें उसकी प्यास बुझानी है। फिर वे एक वनवासी को नीचे लेटाकर उसका हृदय नोचकर बाहर निकालते हैं। फिर वे उसका सर काटकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़का देते हैं। अब नीचे खड़े लोग उसे एक जाल में पकड़कर गेंद की तरह उससे खेलने लगते हैं। फिर वे उसका शरीर फेंक देते हैं। अब ये सब देखकर तो वहाँ खड़े वनवासी बिल्कुल ही सुन हो जाते हैं। फिर वे लोग दूसरे वनवासी को लेटाकर उसका लीवर उखाड़ देते हैं और यही करते हैं। और अब ऐसे करते करते जैगवार की बारी आती है। जैगवार सेवन और टर्टल के बारे में सोचते हुए मौत के लिए बिल्कुल तैयार होता है और जाकर लेट जाता है। तभी सूर्य ग्रहण होता है जब कुछ देर के लिए सूरज और धरती के बीच चांद
तूफान आकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, पर वहाँ के लोग सोचते हैं कि सूरज को कोई निगल चुका है। और तभी वहाँ बैठे पुजारी और मांत्रिक सिचुएशन को संभालने के लिए कहते हैं कि उन्होंने जो खून की बलि चढ़ाई थी उसे धरती माँ ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अंधेरा छाया हुआ है। फिर कुछ ही देर में ग्रहण खत्म होता है और सूरज दिखने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर पुजारी उछल पड़ता है, देखा मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब किसी की बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और बाकी वनवासियों को जिंदा रहने देते हैं। जीरो पूछता है कि वो सब तो ठीक है, पर इन लोगों को पेंट करके हम बलि के लिए लाए हैं। और राजा कहता है कि इन्हें ले जाओ और जो मर्जी करो। फिर वे वनवासियों को दो दो करके खोलते हैं। पहले वे ब्लंटेड और उसके साथी को खोलते हैं और सामने एक बड़ा मैदान होता है जिसके उस तरफ मकई का खेत होता है। जीरो का बेटा खेत के आगे खड़ा हो जाता है और मैदान के इस तरफ वनवासी खड़े हो जाते हैं। अब साइको वनवासियों से कहता है कि खेत के उस तरफ तुम्हारा जंगल है, ताकत है तो बच के निकल लो। बेचारे उसकी बात मानकर भागने लगते हैं और पीछे से उन पर तीर भाले और पत्थर फेंकने लगते हैं। एक पत्थर ब्लंटेड के साथी के सर पर लगता है और वो बेचारा लहूलुहान होकर गिर जाता है। इतने में ब्लंटेड को एक बड़ा भाला लगता है और वो वहीं गिर जाता है। अब मौत से लड़ते हुए इन लोगों की बची हुई जान भी जीरो का बेटा ले लेता है। फिर जैगुआर और दूसरा वनवासी भागते हैं और अपने साथियों को खोने के बाद वे कुछ और प्लान करते हैं और सीधे दौड़ने के बजाय जिगजैग मोशन में दौड़ते हैं ताकि उनका निशाना चूक जाए। पर जीरो के आदमी और भी होशियार होते हैं, वे उस पैटर्न को नोटिस करते हैं और उसी के मुताबिक एम करते हैं। अब तीर ठीक जैगुआर के साथी के मुंह में लगती है और जीरो जैगुआर को टारगेट करता है और उसका तीर जैगुआर के पेट में फंस जाता है। जीरो का बेटा उसकी जान लेने के लिए आता है पर ब्लंटेड उसका पैर पकड़ लेता है। इतने में जैगुआर अपने शरीर पर लगे हुए सारे तीर निकालता है और उन्हें छुपा लेता है। इस बात से बेखबर जीरो का बेटा उसकी गर्दन काटने आता है और ऐसे ही मौका पाकर जैगुआर तीर उसकी गर्दन में घुसा देता है और वो वहीं स्पॉट पे मर जाता है। अब जीरो और उसके आदमी ने चेस करते हैं पर तब तक जैगुआर खेत के अंदर घुस चुका होता है। अब बेटे के खूनी को जीरो लगातार चेस करता है। भागते भागते जैगुआर देखता है कि बिना सर की लाशों से पूरा तालाब भरा होता है और वनवासियों के सर काटकर इन लोगों ने जो पूजा की थी शायद वैसी पूजा ये लोग हजारों पार कर चुके थे। जैगुआर उन लाशों को पार करके जंगल में पहुंच जाता है और जीरो के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उनसे बचने के लिए वो एक लंबे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसका प्लान होता है कि वे उसे ढूंढते हुए जंगल के उस तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है और वे सीधे भाग रहे होते हैं। जैगुआर का खून भागते हुए साइको की पीठ पर गिरता है। ये सोचकर जैगुआर मुड़ता है तो पेड़ के ऊपर से एक काला चीता उसे घूर रहा होता है। वहाँ जीरो का एक आदमी साइको की पीठ पर लगा खून देखता है और कहता है कि वो जरूर किसी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। अब वे सारे पेड़ चेक करते हैं। यहाँ जान हाथ में लिए जैगुआर भाग रहा होता है और वो काला चीता उसे चेस करता रहता है। इतने में जीरो के आदमी सिर्फ जैगुआर को देखकर उसे चेस करने लगते हैं। अब जैगुआर और चीते के बीच ये लोग फंस जाते हैं। चीता उनके आदमी को भी अटैक करके मार डालता है और बाकी आदमी अपने भाले से उस चीता को मार डालते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि उस छोटी बच्ची की बात सच निकली, उसने दिन में रात होने की बात की थी और फिर कहा था कि चीते पर एक आदमी आकर तुम सबको मिटाएगा, वही सब हो रहा है। अब जीरो गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो, मैं उस आदमी को फाड़कर उसके खाल निकालूंगा और फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा, तुम लोग देख लेना। ये कहकर वे सब आगे चले जाते हैं। अब यहाँ जैगुआर बचकर भाग रहा होता है और रात भी होने लगती है। दूसरी ओर जैगुआर के गांव में उस कुएं को दिखाते हैं। वहाँ दो बंदर आपस में लड़कर कुएं में गिर जाते हैं। एक टर्टल को अटैक करने लगता है पर सेवन उसे लकड़ी से मारकर टर्टल को बचा लेती है। अब जीरो के आदमी देखते हैं कि जैगुआर का नीला रंग कुछ जगहों पर लगा होता है। उसे फॉलो करते हुए वे जा रहे होते हैं कि अचानक एक आदमी को सांप काट देता है। उसके साथ ही कहते हैं कि तुम अपनी नस काट कर मर जाओ क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, और वो आदमी वैसा ही करता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। सेवन और टर्टल को देखने के लिए जैगुआर जान बचाकर भाग रहा होता है और तभी एक नदी पर पहुंचता है जो लगभग 500 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है। वहां से नीचे कूदकर कोई जिंदा नहीं बच सकता। अब जैगुआर कुछ देर सोचता है पर सेवन और टर्टल के खातिर वो ये रिस्क ले लेता है और कूद पड़ता है। अब जीरो कहता है उस पागल लड़की की बात बिल्कुल झूठ निकली, ये आदमी तो मर चुका है और ये हमें कैसे खत्म करेगा। जैगुआर तैरकर दूसरी ओर आ जाता है और चिल्लाकर जीरो से कहता है कि ये जंगल मेरी ताकत है और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऊपर जीरो का आदमी कहता है कि हम यहाँ से कूद नहीं सकते पर उस तरफ उतर कर नीचे जा सकते हैं। अब जीरो गुस्से में उसके पेट में छुरा घोंप देता है और उसे धकेल देता है और कहता है कि मेरे ग्रुप में बुजदिलों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब उसके आदमी एक एक करके नीचे कूदते हैं। एक आदमी नीचे पत्थर से टकराकर वहीं मर जाता है और बाकी के लोग बच जाते हैं और जैगुआर का पीछा करते हैं। तब जैगुआर दलदल
जंगल में फंस जाता है और उसमें डूबने लगता है। लगता है उसका अंत आ चुका है, पर वो पूरा जोर लगाकर वहाँ से बाहर निकलता है। ये दृश्य तो उस लड़की की भविष्यवाणी से एकदम मैच करता है। वाकई जैगुआर जमीन फाड़कर बाहर आता है और पूरे शरीर पर काली मिट्टी लगी होती है। फिर वो एक पेड़ से मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर दुश्मनों पर फेंकता है। मधुमक्खियाँ उन्हें बुरी तरह से खाती है और शरीर पर लगी हुई मिट्टी के कारण वे जैगुआर को नहीं खाते। कुएं में सेवन एक लकड़ी को रस्सी से बांधकर ऊपर फेंकती है ताकि वो बाहर किसी चीज में फंस जाए और माँ और बेटा बाहर निकल पाए, पर उसकी कोशिश बेकार जाती है। दूसरी ओर जैगुआर एक जहरीले मेंढक को फाड़कर उसके शरीर पर कांटे चुभाता है और कांटों में जहर लग जाता है। फिर वो उन कांटों को एक बड़े पत्ते में लपेटकर जीरो के एक आदमी पर फेंकता है। तीन जहरीले कांटे उसके शरीर में उतारकर उसे मार डालते हैं। ये देखकर साइको जैगुआर को अटैक करता है। अब जैगुआर निहत्ता होता है, पर उसके बीच में एक कुराड़ी पड़ी होती है। जैगुआर उसे उठाने जाता है कि साइको अपनी कुराड़ी से उस पर अटैक करता है और अपने बचाव के लिए जैगुआर पीछे की ओर झुकता है और उसे सिर पे खरोंच आती है। अब वो तेजी से पत्तियों पर फिसलता हुआ कुराड़ी तक पहुँचता है, उसे उठाकर सीधे साइको के सर पर मारता है और साइको मर जाता है। और अब सिर्फ तीन लोग उसका पीछा करते हैं। इतने में बारिश भी होने लगती है। वहाँ बारिश से कुआं भर गया तो सेवन और टर्टल डूब मरेंगे और जिंदगी और मौत के इस खेल के बीच सेवन का लेवर पेन भी शुरू हो जाता है। सोचिए उस औरत की हालत क्या हो रही होगी, उसकी कमर तक पानी भर जाता है। तभी जैगुआर भाग कर आता है और कुएं में झांकता है। उसे देखकर सेवन को थोड़ा तसल्ली होती है और इसी बीच जीरो का एक आदमी भी वहाँ पर पहुँचता है। उसे देखकर जैगुआर भागता है। वे कुएं के अंदर देखते हैं। अब जीरो के आदमी को मारकर ही जैगुआर अपने परिवार को बचा सकता है। अगर जैगुआर को कुछ हो जाता तो ये लोग सेवन और टर्टल को भी जिंदा नहीं छोड़ते। इसी बीच जीरो दूसरी दिशा में भाग रहा होता है। जैगुआर उसे देख लेता है और चार कदम पीछे आता है और उसकी ओर मुड़कर खड़ा हो जाता है। तब जीरो का तीर उसके सीने में लगता है। तीर पूरी तरह से अंदर नहीं गया होता। अब जैगुआर तीर को तोड़कर जीरो को ललकारता है कि हिम्मत है तो नजदीक आके देख। अब जीरो के इससे ईगो को ठेस लगती है और वो आक्रोश में आकर उसकी ओर भागता है। तब पता चलता है कि जैगुआर चार कदम पीछे क्यों गया था, क्योंकि वहां पर जंगली सुअर को पकड़ने का ट्रैप था और वो जीरो वहां गिर जाता है और उस ट्रैप में फंसकर वो जीरो वहीं मर जाता है। जीरो के बच्चे में दो आदमी जैगुआर का पीछा करते हैं। अब कुएं में पानी भर रहा होता है और सेवन एक पत्थर पर चढ़ जाती है। दर्द से उसकी जान निकल रही होती है, पर वो अपने बेटे को कंधे पर बिठा लेती है। पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका होता है और दर्द और भी बढ़ रहा होता है। इससे ज्यादा वो सह नहीं कर पाती। वो पेट के अंदर से बच्चे को दम लगाकर पुश करने लगती है। इसके बाद का दृश्य दिल जीतने वाला है। पानी के अंदर ही वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और बड़े प्यार और धैर्य के साथ सेवन उस बच्चे को पानी से बाहर निकालती है। यहाँ जैगुआर समुद्र किनारे पहुँचता है। वहाँ किसी चीज को देखकर वो चौंक कर खड़ा होता है। उसके पीछे जीरो के आदमी भी उसी तरह चौंक जाते हैं। वे पहली बार समुद्र में एक शिप को देख रहे होते हैं। शिप में से कुछ लोग एक बोट में इनकी ओर आ रहे होते हैं। उनके पास बंदूकें और कई हथियार होते हैं। जीरो के आदमी उन्हें देखकर शॉक में होते हैं और जैगुआर वहाँ से भागकर कुएं तक पहुँचता है। जब वो अंदर झांकता है तो सेवन एक हाथ में टर्टल्स और दूसरे हाथ में अपने नवजात शिशु को पकड़कर खड़ी होती है और दोनों बच्चों को उसने डूबने से बचाकर रखा होता है। उसे डर भी होता है कि न जाने उन लोगों ने जैगुआर के साथ क्या क्या होगा। अब जैगुआर को वहाँ देखकर उसकी आंखें भर आती है और उस समय उसमें इतने इमोशन होते हैं कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और इस तरह जैगुआर और सेवन अपने परिवार को बचा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब सेवन पूछती है कि समुद्र में तैरती हुई चीजें क्या थी। जैगुआर बताता है कि कुछ लोग उसमें बैठकर आए थे और सेवन पूछती है कि क्या हम भी वहाँ जा सकते हैं। जैगुआर जवाब देता है कि ये जंगल ही हमारी दुनिया है और हम यहीं सुरक्षित हैं। फिर दोनों अपने बच्चों के साथ वापस जंगल के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आशा करते हैं कि ये वनवासी परिवार सभ्य दुनिया से बचकर यहीं जंगल में सुरक्षित और सुखी रहे होंगे और आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ।